नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ इन्फाइनाइट सीरीज, अनंत श्रेणियों जो सीरीज है उसकी प्रकृति क्या होती है, किस प्रकार वो चीजें होगी, सारा आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए टॉपिक को। सबसे पहले कल हमने इन्फाइनाइट सीरीज के बारे में स्टार्ट किया था और मैंने आपको बताया था कि इन्फाइनाइट सीरीज क्या होती है, जिसमें प्रत्येक पद के बाद एक और पद आए तो उसे इन्फाइनाइट सीरीज कहा था, और कुछ कुछ और डेफिनेशन पढ़ी थी, फाइनाइट सीरीज, अल्टरनेटिंग, और जो सम्स ऑफ पार्शियल जो सेक्वेंस का जो छोटे छोटे अनुक्रमों का जो योग था और उनका अनुक्रम जो हमने पढ़ा था वो भी हमने कल के वीडियो में पढ़ लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, नेचर ऑफ इन्फाइनाइट सीरीज। अनंत श्रेणी की प्रकृति। तो दोस्तों, जो इनफाइनाइट सीरीज की जो नेचर है वो किसके तहत हम व्यक्त कर पाएंगे, ये चीज इंपॉर्टेंट है। जो इनफाइनाइट सीरीज है आपके पास है उसकी नेचर किस पर डिपेंड करेगी, तो वो डिपेंड करती है आपकी दोस्तों जो आपका SN था, SN जो श्रेणी के सभी पदों का योग, पदों का सम, सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ इन्फाइनाइट सीरीज। ठीक है, तो श्रेणी के सभी पदों का योग SN इस पर व्यक्त करता है। अगर SN क्या है, कन्वर्जेंस है, डाइवर्जेंस है या फिर ऑसिलेटरी है, ऑसिलेटरी यानी अभिसारी है या फिर अपसारी होगा और या फिर दोलनीय अनुक्रम होगा या दोलायमान होगा, यानी जो नेचर है इन्फाइनाइट सीरीज की वो निर्भर करेगी जो सेक्वेंस के जितने भी पद हैं सीरीज में उन सभी का जो योग है SN उस पर डिपेंड करेगी। अगर उसकी प्रकृति अभिसारी है, अपसारी है, दोलायमान है यानी कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, ऑसिलेटरी है, तो उस पर SN पर डिपेंड करेगी। तो सबसे पहले स्टेप आता है आपका, अगर वह SN जो प्रकृति है इसकी SN क्या हो, कन्वर्जेंस के रूप में, अभिसारी के रूप में, तो क्या लिखेंगे आप कि कोई सीरीज कन्वर्जेंस कहलाएगी। कोई इन्फाइनाइट सीरीज लिखें तो और भी बेटर है, लेकिन हम बात ही इन्फाइनाइट सीरीज की कर रहे हैं तो यहां पर लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है। कोई इन्फाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंस कहलाएगी या अभिसारी कहलाएगी यदि अन के अनंत की ओर अग्रसर होने पर सीरीज के सभी पदों का योग SN एक परिमित यानी फाइनाइट वैल्यू की ओर अग्रसर हो, तो ऐसी सीरीज क्या कहलाएगी, कन्वर्जेंट सीरीज कहलाएगी। यानी क्या कहना चाहता हूं मैं, ध्यान से सुनिए, कि लिमिट अन से इन्फिनिटिव की ओर है SN तो वो अस की ओर होना चाहिए, यानी अगर अन इन्फिनिटिव की ओर है तो जो SN है वो अस की ओर अभिसरित होना चाहिए। अस यहां पर क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू है, परिमित संख्या है, एक रियल नंबर है, फाइनाइट परिमित संख्या एक वैल्यू है, क्या है, SN
एस की ओर होना चाहिए, कब, जब अन इन्फिनिटिव की ओर होता है, तो यानी एस एन की लिमिट एक परिमित वैल्यू की ओर अग्रसर होनी चाहिए। तो ऐसा जो सीरीज होगी, ऐसी जो इनफाइनाइट सीरीज होगी, उसे हम कन्वर्जेंस सीरीज के नाम से भी कहेंगे, अभिसारी सीरीज के नाम से भी हम इसे कह सकते हैं। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे और बढ़ते हैं इस चीज में, या लिख सकते हैं तो लिख लीजिए। तो चलिए अब मैं आपको एग्जाम्पल करवाता हूं इसका। यह क्वेश्चन आपको, ये टॉपिक क्लियर हो जाए बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो क्वेश्चन क्या है इसका कि आपको दे दी है इनफाइनाइट सीरीज और आपको दर्शानी है 1/2 + 1/2 की होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, और इस प्रकार ये आगे बढ़ रही है। यानी ये सीरीज आपको दी है और ये हमें दर्शानी है, जो हमने चीजें पढ़ी है उसके तहत, कि क्या ये जो आपकी कन्वर्जेंट सीरीज होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले आप देखिए ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, एपी या जीपी में से कौन सी सीरीज आपको लग रही है। तो आप जानते हैं भली भांति ये क्या है, जीपी है, यानी गुणोत्तर श्रेणी, क्योंकि सीरीज तो आपको दी जाएगी, यानी इसमें अनंत पद तो है, आपको सीरीज दी गई है, तो यहां पर जो सीरीज दी है वो गुणोत्तर श्रेणी है, और या फिर समांतर श्रेणी मिलेगी आपको, एपी मिलेगी या जीपी मिलेगी, दो ही प्रकार की आपको सीरीज मिलने वाली है। तो ये क्या है, ये जीपी है, और जीपी को आपको पता है किस प्रकार सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले ए बराबर आपका क्या है, 1 है, प्रथम पद जिसे हम पहला पद कहते हैं या प्रथम पद कहते हैं, और जो सर्व अनुपात है, सर्व अनुपात जिसे आप R से व्यक्त करते हैं, उसकी वैल्यू कितनी है देख लीजिए, 1/2, 1/2 की है, 1 के बाद 1/2, फिर 1/2 की होल स्क्वायर, तो 1/2 ही तो इसमें सर्व अनुपात आ रहा है, R आ रहा है 1/2, और यहां पर अगर ये वैल्यूज आपको मिलती है तो आप योग निकाल सकते हैं। Sn इक्वल क्या होगा, ये देखिए R किससे छोटा है, लेस देन 1 से छोटा है, अगर 1 से छोटा है तो ये फॉर्मूला इस प्रकार होगा, a माइनस आर, 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, कब, r लेस देन 1। तो इस चीज का उपयोग कीजिए और रिजल्ट निकालिए क्या आता है। a क्या है, पहला पद 1 है, 1 माइनस आर की पावर n, यानी 1/2 की पावर n, और नीचे क्या बचेगा, 1/2 ही नीचे बचेगा, यही तो बचेगा। तो फिर आगे आपका क्या आएगा, एस एन इक्वल 2 ऊपर जाएगा, 2 1 - 1/2 की पावर एन, यही तो है, अंदर गुणा करवा दीजिए या बाहर पड़ा रहने दीजिए, कोई बात नहीं, एस एन बाहर पड़ा है 1 - 1/2 की पावर एन। अब आपको यहां पर लिमिट लगानी है, अब जो चीज चेक करनी है वो आपको पता चल गई होगी कि इसमें अन से लिमिट लगाएंगे, योग में लिमिट लगाएंगे, और जो रिजल्ट आ रहा है वो एक परिमित वैल्यू की ओर अग्रसर होना चाहिए, तब तो ये कन्वर्जेंस हो जाएगी, अन्यथा आगे और जब हम चीजें पढ़ेंगे तो उसमें रिजल्ट जाएगा। तो हमें तो चेक करना है इसमें अन से इन्फिनिटिव की ओर हमें यहां पर लगाना है, तो लिमिट लगाएंगे, लिमिट एस एन अन से इन्फिनिटिव, अगर आप लगाते हैं, सॉरी दोस्तों, अगर आप ऐसा लगाते हैं तो 2 1 - 1/2 की पावर n यहां पर लगाएंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, यहां पर 0, क्योंकि ये इन्फिनिटी पद हो रहा है, तो यहां पर रिजल्ट आपका 0 आ जाएगा। तो यहां पर जो रिजल्ट है वो क्या है, आया है 2, यानी जो वैल्यूज आप n की वैल्यूज बढ़ाएंगे, जैसे जैसे n की वैल्यूज बढ़ाएंगे तो ये चीज किसकी ओर अग्रसर होती जाएगी, ये लगातार छोटी हो जाएगी। और देखिए अन की पावर आप जैसे जैसे वैल्यू इसकी इंक्रीज करेंगे, अन बढ़ाएंगे, 1 किया 2 किया 2 3 किया, तो इस प्रकार ये इसकी रिजल्ट और भी छोटा होता जाएगा, 1/2 का और रिजल्ट छोटा हो जाएगा, और अंत आप जितना चाहें उतना आप इस रिजल्ट को ला सकते हैं, तो अंत में ये वैल्यू 0 हो जाएगी और यहां पर ये 2 शेष हो जाएगा। तो इसकी लिमिट क्या होगी, लिमिट एस एन की, जो लिमिट एस एन अन से इन्फिनिटिव आपने लगाया है, ये 2 की ओर अग्रसर है,
अगर टू की ओर अग्रसर है तो इसे आप क्या कहेंगे? कन्वर्जेंस इनफाइनाइट सीरीज, जो एक फिक्स वैल्यू की ओर अग्रसर हो रही है, जिसका योग है वो एक फिक्स वैल्यू की ओर अग्रसर हो रहा है, तो इस प्रकार की सीरीज इनफाइनाइट सीरीज कहलाएगी। और यही आपको बताना था कि ये क्या होता है, कन्वर्जेंस इनफाइनाइट सीरीज है या नहीं। तो हमने सबसे पहले कन्वर्जेंस के बारे में पढ़ा है, योग के रूप में अगर उसका योग एक फिक्स वैल्यू की ओर अग्रसर हो, जो एक सीरीज का योग एक फिक्स वैल्यू की ओर अग्रसर हो रहा है, तो वो सीरीज कन्वर्जेंस इनफाइनाइट सीरीज कहलाएगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, कल जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम जो डाइवर्जेंस है, ऑक्सिलेटरी है, उसके बारे में चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ फिर इस तरह के और वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।